सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे कि आपकी टेट की परीक्षा आज यानी कि 22 दिसंबर को होनी थी, प्रदेश में शांति व्यवस्था को देखते हुए इस एग्जाम को टालना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही थी एग्जाम कब होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आज इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम की डेट कब होगी। दोस्तों, यहाँ पर पूरी खबर आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, पूरा आपको देखना बहुत जरूरी है और क्या कुछ शासन की तरफ से फिर से प्रबंध किया जा रहा है जिससे आपका एग्जाम जल्द से जल्द जनवरी माह में हर हाल में कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, दोस्तों हालात सामान्य होते ही शासन के निर्देश पर तय होगी तारीख। दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के आपके यूपी में हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। नागरिकता कानून को लेकर जगह जगह पर लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप लोग का एग्जाम टाला गया है। तो दोस्तों, इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पर देखिए अब आपका एग्जाम टाल तो दिया गया है, लेकिन होना तो है ही, आज नहीं हुआ तो कल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2019 अब जनवरी माह में कराने की तैयारी है। प्रदेश में हालात बिगड़ने व इंटरनेट सेवा कई जिलों में ठप होने से एकाएक 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। परीक्षा संस्था की माने तो हालात सामान्य होते ही शासन से निर्देश पर परीक्षा की नई तारीख तय होगी, ठीक है। प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी टेट 2019 को एकाएक स्थगित करना पड़ा। अभी नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा संस्था इसे जनवरी माह में कराने की तैयारी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आपकी जो परीक्षा है वो हर हाल में जनवरी माह में ही होगी, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए वजह यह है कि फरवरी माह में यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड को हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिससे परीक्षा केंद्र मिलने में परेशानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब फरवरी माह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, परीक्षा केंद्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से आप लोगों की जो परीक्षा वो हर हाल में जनवरी माह में होनी ही है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत छोड़िए, बिल्कुल लगे रहिए, हर सब्जेक्ट पर मेहनत करिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एग्जाम में ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको कैसे उसको सही करना है, अगर उसमें से आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख ले, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अभी जिन केंद्रों का चयन किया गया है वहां जनवरी में आसानी से इम्तिहान कराया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जनवरी माह में अभी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं हो रही है, खासकर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की। सभी जिलों में प्रशासन व ओएमआर सीट पहुंच चुकी है, साथ ही प्राथमिक स्तर के लिए 1986 व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1063 केंद्रों का चयन किया जा चुका है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक से लेकर अन्य अफसर व कर्मचारियों की तैनाती हो चुकी है। इस परीक्षा में 16.45 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना होना है। अधिकांश प्रवेश पत्र भी डाउनलोड हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल होते ही शेष प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इंटरनेट सेवा बहाल होते ही शासन से अनुमति लेकर तारीख तय की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो हर हाल में जनवरी में होनी ही है, तो आप लोगों के पास बहुत टाइम नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जी सरकारी आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कुछ कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। तो हो सकता है कि आप लोग की जो आगे की, दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी 69,000 वैकेंसी रुकी हुई है, 68,500 वैकेंसी में भी बहुत सारी सीटें खाली है, तो हो सकता है कि उस पर भी कोई निर्णय दे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जो समीक्षा बैठक है, हो सकता है उस पर भी कोई निर्णय लिया जाए, जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा करके आप लोग टेट पास करेंगे उन लोगों को भी मौका दिया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6 साल बाद बिगड़ा टेट का कार्यक्रम। जो आपके नागरिकता संशोधन कानून है उसको लेकर मचे बवाल के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी का शेड्यूल 6 साल बाद पहली बार बिगड़ गया। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के टेट के लिए पंजीकृत क्रमशः 10,76,336 व 5,69,174 कुल 16,45,510 अभ्यर्थियों को अगली तारीख का इंतजार है। स्थितियां नियंत्रण में आने के बाद परीक्षा कराई जाएगी। जुलाई 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई लागू होने के बाद यूपी में पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टेट कराया था। परीक्षा की शुचिता पर बवाल उठने के बाद 8 फरवरी 2012 को तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय चौहान गिरफ्तार कर लिए गए थे।
विवाद के बीच 2012 में परीक्षा नहीं कराई जा सकी। ठीक है दोस्तों, 2013 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज को टेट कराने की जिम्मेदारी मिली, तब से हर साल परीक्षा हो रही है। वर्तमान हालात में यदि 10 दिन भी परीक्षा टलकर जनवरी में कोई तारीख तय होती है तो 2012 के बाद यह पहला मौका होगा जब किसी साल परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए फिर से वही चीज लिखी हुई है, 22 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारी पूरी है और सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद टेट करा ली जाएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट जिलों में के डबल लॉक में सुरक्षित है। अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार का आदेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी। अब दोस्तों देखिए कब कब आपका टेट हुआ है, 2013 27 व 28 जून, 2014 22 व 23 फरवरी, 2015 2 फरवरी, 2016 29 दिसंबर, 2017 15 अक्टूबर, 2018 18 नवंबर। दोस्तों यहां पर देखिए बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 साल बाद फिर से टेट का कार्यक्रम बदल गया, यानी कि जो आपका टेट परीक्षा है वो सही समय पर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर इन्हीं तीनों माह में करा ली जाती थी, लेकिन दोस्तों इस साल हालात बिगड़ने के कारण इस सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा, और जिससे कि आप लोग का जो टाइम है दोस्तों यहाँ पर अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप लोगों की तैयारी अधूरी रह गई थी तो उनको एक बार फिर से तैयार करने का मौका मिला। दोस्तों यहाँ पर जो मौका मिला है उसको दोस्तों आप उसमें हताश मत होइए, उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और खूब मेहनत करिए जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपने तय कर लिया है कि हाँ आपको 125 130 नंबर लाने ही लाने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत अभी से करनी है और अभी से आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं। जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे आप फिर तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर हताश अगर आप हो जाएंगे तो हर चीज को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे दोस्तों तो जो चीजें आपने तैयार की है वो भूल जाएंगी। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे आप पढ़ाई करते हुए चलिए, और दोस्तों यहाँ पर और टाइम मिल गया तो जो जो भी कमी रह गई थी, जो भी टॉपिक आपको लग रहा था कि अभी बहुत सही से नहीं तैयार हुआ है, उसको और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय गंवाना नहीं है बल्कि जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना है और आपको एग्जाम में और अच्छे मार्क्स लाने हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर आप लोगों को यूपी टेट और सीटेट दोनों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दोस्तों हर हर सब्जेक्ट का हम लोगों ने दोस्तों पहले से ही जितने भी सॉल्व पेपर है पिछले ईयर्स के उस सबको करवा रखा है, और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं जिस भी टॉपिक को आपका पढ़ने का मन करता है हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ आपका कोई भी सेक्शन किसी भी सब्जेक्ट में वीक रह गया है तो उसके लिए प्लीज आप लोग कमेंट करें और हम लोग को बताएं, हम लोग जरूर उस पर वीडियो बना के आपके लिए उसको आपको जरूर देंगे। दोस्तों तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, हम वीडियो के माध्यम से आप लोग की हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो ऐसे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम कोई भी नई वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि आपकी परीक्षा हर हाल में जनवरी में ही होनी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।